खबर जौनपुर जनपद से, जहां थाना लाइन बाजार पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर रामदयालगंज गोमती नदी के पुल के पास से धोखाधड़ी व फ्रॉड करने वाले अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में है कि वीआईपी नंबर दिलाने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी फ्रॉड करने वाले चार साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ पर उनके कब्जे से 7 मोबाइल व धोखाधड़ी करने वाली सामग्री व 4200 रुपए नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। जौनपुर जनपद से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एक श्री योगेश हैं गौड़, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। वो थाना लाइन बाजार में आके तहरीर दिए कि मेरे साथ वीआईपी नंबर देने के लिए फ्रॉड हुआ है और मोबाइल नंबर दिया जिससे कि फ्रॉड हुआ है। उस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत हुई। एसएसपी जौनपुर महोदय द्वारा टीम बनाई गई जिसमें कि थाना लाइन बाजार और सर्विलांस की टीम थी। टीम के दौरान विवेचना की गई जिसमें कि चार अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। चारों के पास से लैपटॉप, 7 ATM, मोबाइल और ATM और उसके चार्जर, लैपटॉप, ये सब बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे प्रचार प्रसार करते थे कि वीआईपी नंबर अगर लेना हो तो आप इस नंबरों पे संपर्क करें। फिर उस नंबर पे उनको अकाउंट नंबर बताते थे, उस अकाउंट से पैसा लेते थे और उसके बाद लोगों को वीआईपी नंबर देते थे। इस तरह से चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। चारों के पास से जो बरामदगी है मैंने आपको बताया, ये ऑनलाइन फ्रॉड का मामला था। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तार किया गया है। विवेचना भी जारी है। संभावना है कि अन्य अभियुक्त भी इसमें से गिरफ्तार होंगे, जो कि जैसा होगा आपको बताया जाएगा।